और यहाँ के जो स्थानीय विधायक ने यहाँ के स्थानीय लोगों के उनके परिवार के लोगों के ऊपर दबाव बनवा कर देवसान बॉडी को अग्नि के हवाले करवाने का काम किया गया और साथ ही कोई भी ठोस आश्वासन न तो जिला प्रशासन के द्वारा न स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी तरह का परिवार को नहीं मिला है। परिवार के छोटे छोटे चार बच्चे हैं, उनके परिवार का पालन पोषण के लिए कैसे व्यवस्था की जाएगी? आज पूरे नगला बीच के व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घटना आज पूरे नगला बीच में जो भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जितने भी घटनाएं घटी हैं, आज ये घटना जो हुई है उसमें नामजद FIR की गई और शूटर भाग गए। जबकि कहते हैं जब चुनाव चल रहा है पूरा शहर की नाकाबंदी रहती है, पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी रहती है, कैसे शूटर निकल गए? पुलिस मिली हुई है। इसका मतलब है खाकी और अपराधी यहां से मिलकर व्यापारियों को लूटने का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब आने वाले चुनाव में व्यापारी खुलकर देने का काम करेगा और इस चुनाव में उनको एहसास कराएगा कि व्यापारियों की जो आपने आज व्यापारी हमारा दयाशंकर भाई नहीं, यहाँ का नकल के परिवार का एक एक परिवार का बच्चा यहाँ पे रो रहा है, उसकी आत्मा दुखित है। हम चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन अपनी हरकतों पे बाज आए, नहीं तो जिला प्रशासन का घेराव करने का काम करेगा। मेरा नाम अतुल कुमार है। आप उनके डीके गुप्ता जी कौन से? मेरा छोटा भाई। क्या कहना चाहेंगे घटना को लेकर? अंत्येष्टि की गई, पुलिस की सुरक्षा भी रही, खुलेआम अपराधी खुलेआम हत्या कर रहे हैं। ये हत्या यूपी सरकार में व्यापारियों की हत्या है। मेरा भाई बहुत ही सभ्य और बहुत ही सुशील था, भाजपा से भी काफी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था। उसको वीरेश तोमर ने खुलेआम धमकी देकर मारा और उसको प्रधानी की राजनीति के तहत मारा गया। परिवार के लोग कुछ मांगे भी थी वीरेश तोमर को कठोर से कठोर सजा दी। परिवार के लिए कुछ मांगे भी थी? मेरी अपने परिवार के लिए मांगे हैं कि मेरे भाई के चार बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, दो बेटे हैं, उनमें से एक बच्ची इंटर में है, उसको सरकारी नौकरी मिले और घर के भरण पोषण के लिए सरकार की तरफ से कम 20 लाख रुपए की सहायता मिले। क्या अधिकारियों से बात हुई है, कुछ आश्वासन दिया है कुछ? अधिकारियों ने तो चुनाव आचार संहिता का सिर्फ एक बहाना बना दिया है या बात कह दी है, अब उनके ऊपर है वो क्या करते हैं। आश्वासन उन्होंने आचार संहिता परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।